हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। चलिए आज सीखते हैं कुछ और नया जो हमारी मेहंदी की डिज़ाइंस बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, बहुत इजी ट्रिक है आपको। मैं जिसको बोलते हैं लोग मोर मोर बनाना सिखाती हूँ। कैसे बनाना है? सबसे पहले आप एस बनाना सीखिए। इंग्लिश का जो लेटर होता है ना, अल्फाबेट लेटर एस, उसे बनाइए इस तरीके से। और फिर उसको जब हम ऐसे बना लेंगे, फिर हमें यहाँ से उसको राउंड करते हुए लेके जाना है और इधर ऊपर साइड में मिला देना है, ऐसे गोल कर देना है। देखिए कितना इजी तरीके से ये मैंने आपको बताया है। कोशिश करेंगे आप तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसी प्रकार हम एक बार फिर से देखते हैं। एस बनाया, राउंड करते हुए ले जाएंगे। अब ऐसे ही अपोजिट साइड से उल्टा एस बनाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम केवल एक ही डायरेक्शन में मेहंदी लगाते हैं। हमें सभी डायरेक्शन में डिजाइंस बनानी आनी चाहिए, तो हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दोनों तरफ से हाथ चलाने की कोशिश करें, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, इस प्रकार सिंपल बनाने की कोशिश करें, जिसमें हमें इस तरीके का राउंड नहीं लेना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ऐसे और मिला दिया। इस प्रकार से साथ में इसकी भी प्रैक्टिस करें, जो कि मैंने आपको कल बताया था। आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मेक श्योर आप लोगों को बहुत जल्दी ही अच्छी सी मेहंदी लगानी आ जाएगी। और इसके साथ हम कुछ सीखते हैं अलग, जो हमारी डिज़ाइंस में साथ में हम यूज़ करते हैं जगह जगह पर। वो ये है कि हमें इस तरीके से बनाना सीखना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ये जो ऊपर की साइड है, यहाँ हमें कोन को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है इस तरीके से, और नीचे लाते लाते हल्का प्रेस करना है। थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया, फिर नीचे लाते लाते हल्का प्रेस किया, ज़्यादा प्रेस किया, नीचे लाते लाते हल्का प्रेस किया, इस तरीके से। ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। ये तो बड़ी बड़ी डिज़ाइंस हैं। इसके साथ में छोटी डिज़ाइंस बनाना बताऊंगी। डॉट लगाइए और उसके चारों तरफ ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। चारों तरफ इस प्रकार से डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये सब बता रही हूँ, इन सब की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से मेहंदी लगा पाएंगे। देखिए फिर से बताती हूँ, राउंड शेप में आनी चाहिए ये सारी डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ अभी, और ये सब आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आ जाएगा ना आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से देखिए। और एक चीज़ और बताऊंगी मैं इन सब चीज़ों में, आपको पेपर को भी वेस्ट नहीं करना है। सीक्वेंस से बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा पेपर वेस्ट ना हो, क्योंकि हम अगर कहीं से भी पेपर को बनाना शुरू कर देंगे तो हमारे हाथ ख़राब हो जाएंगे, उससे मेहंदी की डिज़ाइंस भी ख़राब हो जाएगी, फिर आप बना भी नहीं पाएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन बनाने की कोशिश कीजिए अलग अलग तरीके से। देखिए सो गाइज, मुझे लगता है कि आप